नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडिया एक्केडमी में स्वागत है। आज आपके लिए आरबीएससी बोर्ड के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण पेपर लेकर के आ गया हूँ, यानी कि ट्वेल्थ क्लास का जो आपका पेपर होने वाला है 5 मार्च को, उसी का यहाँ पर पूरा मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। इसी में से आपके कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और आपको ये पेपर है जो कि आपके कितने घंटे का है, 3 घंटे का पेपर है। कितने मार्क्स का है, 80 नंबर का है। यदि आपने ये पेपर अच्छे से पढ़ा तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 70+ नंबर आएंगे। कितने नंबर? 70+ नंबर आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। मैं 80 में से 80 की तो नहीं कहूंगा, पर 70+ की कह सकता हूं मैं गारंटी के साथ, यदि आपने अच्छे से तैयारी की, यदि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको डेली 20 प्रकार आपने तैयारी करी तो। चलिए, यहाँ पर आपका देख सकते हो इंग्लिश कंपलसरी का जो पेपर है, ट्वेल्थ क्लास का 80 मार्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। आप देखिए, यहाँ पर आपको मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर के पेपर करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। आप जब भी पेपर करने जाओ तो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सच बात मैं बताऊँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैंने खुद ने कैसे किया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे इंग्लिश के पेपर में, इसलिए आपसे कह सकता हूँ मैं। यहाँ देखिएगा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। यहाँ पर जो ऑल क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। यहाँ पर ये भी खुद भी कहते हैं कि आप करिए इन क्वेश्चन को, और आपको जो क्वेश्चन है उसका कुछ आ नहीं रहा तो आप पहली लाइन में क्वेश्चन लिख दीजिए, फिर उसका कुछ कुछ थोड़ा बहुत जो भी है 2-3 लाइन जो शुरू की है वो सही से लिख दीजिए। बीच में आप कुछ भी लिखिए, ज़्यादा कोई चेक नहीं करता एग्जामिनर। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनिए। आपको पेपर तो कोई भी बता देगा, मॉडल पेपर आपको कोई भी बता देगा, पर जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं बता पाएगा कोई भी, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ यहाँ पर। चलिए आगे जानकारी देखिएगा, यहाँ पर है महत्वपूर्ण जानकारी। सेक्शन जो ए, आपके सेक्शन वाइज जो पार्ट आते हैं वो देखिएगा। सेक्शन ए रीडिंग, यहाँ पर फर्स्ट जो आपका पैसेज आया है वो आपको करना है। 15 मार्क्स का है, 9 मार्क्स का ये आ जाता है। सेक्शन ए कितने मार्क्स का है? टोटल 15 मार्क्स का है, जिसमें 9 नंबर का पहला आपका पैसेज है। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको जो यहाँ पर पैसेज है ये आपको 2 या 3 बार पढ़ना है। उसके बाद पढ़ने के बाद इसका हिंदी अनुवाद निकालना है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, पर आपको निकालने की कोशिश करना है। उसके बाद जो आप नीचे क्वेश्चन देख रहे होंगे, वाई आर सम पीपुल ट्रस्टेड एज फूल्स, तो आप इसके बाद जो ये क्वेश्चन है ये आपको इसमें देखना है। और यदि एक लाइन में आपको आंसर में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप 2 लाइन जो है वो लिख डालिए। क्या एक लाइन में आंसर आ रहा है पर आप सोच रहे हो कि सर कन्फ्यूजन है, गलती हो सकता है, तो आप 2 लाइन लिख दीजिए। आपका क्या जा रहा है मुझे बताओ, आपकी कॉपी बहुत बड़ी आती है, वो कॉपी नहीं भर पाती है, तो आप 2 लिख दीजिए, 1 लाइन की जगह 2 लाइन लिख दीजिए। ओके, इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, हु वाज आयब खान, तो ये सारे आप लिख सकते हो इनको बिल्कुल। आगे आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन और कुछ भी, ये देखिए सारे यहाँ पर है, फाइंड आउट द पैसेज विच मीन्स, आपको इनका मीन्स आपको बताना है, इसमें से आपको सर्च करना है, जो आपको पैसेज दे रखा है इनमें से देखना है। तो इस प्रकार मैं आपको जो समझा रहा हूँ इस प्रकार आप पेपर कीजिए। आप इस जो पैसेज है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, और आपको यदि PDF लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम में उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। ओके, डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये पैसेज का, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगले यहाँ पर एक क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का भी आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि आप इनको दोबारा से कर सकें। इम्पोर्टेंट है सारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 तारीख के लिए। अगला वाला है, यहाँ पर रीडिंग पैसेज 2 है, ये 6 मार्क्स है, ऊपर वाला 9 का था, टोटल कितने हो गए 15 मार्क्स के। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन, अब इसको भी आपको 2 से 3 बार इस पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ लेना है, क्योंकि टाइम अपने पास 3 घंटे का होता है, आराम से हम कर सकते हैं। ओके, इसको पढ़ लिया, इसके बाद क्या करना है, जो आपके लिए यहाँ पर दे रखा है, इनको जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आप ये फिर क्वेश्चन नीचे, तो ये सारा पैसेज है जो कि मैंने बता दिया ये पैसेज आपको करना होगा। अब आपका यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन देखिए, तो आप लोग यहां कर लोगे 10 और जो 11 नंबर का जो प्रश्न है इसको आपको इस पैसेज में से करना होगा। चलिए आगे बात करता हूं यहां पर सेक्शन बी की, जो राइटिंग पार्ट होता है आपका वो करना है, यानी कि एप्लीकेशन वगैरह आपको लिखनी होती है। 25 मार्क्स का होता है आपका यहां पर सेक्शन बी।
देखिएगा यहाँ पर यू आर अशोक या अस्तिया, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, लड़का है तो अशोक ले सकते हैं, लड़की है तो ये ले सकते हैं, या लड़का लड़की कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लेकर के यहाँ कर सकते हो, लड़का लड़किया का नाम ले सकता है, लड़की का ले सकता है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ऐसा आ जाए तो आप पढ़ते हो किसमें, जी एस एस जो कोटा स्कूल है वहाँ पर पढ़ते हो, तो आपको नोटिस लिखना है यहाँ पर एक यहाँ पर लाइब्रेरी के लिए, ठीक है, ये सारा यहाँ पर है 50 वर्ड में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर ये और में, यानी कि आपको दोनों में से एक करना है, यदि आप दोनों कर देते हो तब भी एक का ही नंबर मिलेगा, दोनों का नंबर नहीं मिलेगा। ओके, पहली बार एग्जाम नहीं दे रहे हो आप, तो आप सभी को पता है बिल्कुल। आगे देखिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, यहाँ पर रितेश रेखा के लिए यहाँ पर लिखा है 100 वर्ड में आपको पंचायत इलेक्शन पर आपको लिखना है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पंचायत इलेक्शन का मामला चल रहा था और आगे भी जो आपके जो इलेक्शन है वो इलेक्शन होने वाले 15-20 पंचायतों में, तो आपको मैं पहले बता देता हूँ ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस वक्त के लिए, तो इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसको एक दो बार लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा पंचायत इलेक्शन वाले को। ओके, तो ये देखिएगा यहाँ बुक पेयर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अजमेर। अगला है यहाँ पर एडिटर नेशनल, यहाँ पर हलवर जयपुर जो सारा है इसके बारे में आपको लिखना है, आपका नाम मीना या सीमा है चाकसू जयपुर से। इस प्रकार यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, केयर डे पंसन सेलिब्रेट इन स्कूल, तो ये सारा इसके ऊपर लिखना है आपको। इसके अलावा 100 वर्ड में स्पीच लिखनी है यहाँ पर, रश ड्राइविंग अंगम द यूथ। ओके, सेक्शन सी ये कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का, शुरू शुरू वाले 15 मार्क्स का था, फिर 25 का, कितने हो गए मिलाइए, 40 और 40 का ये, तो आपका तीन सेक्शन में पढ़ता है बट ये यहाँ पर टेक्सचुअल क्वेश्चन है, जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो है यहाँ पर, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो द बिलो एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलोइंग, तो ये आपको ये यहाँ पर दे रखा है पॉइंट, इसमें से आपको जो ये क्वेश्चन है ये आपको करने होंगे। ओके, दो दो नंबर के हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 16 और 17 भी इसमें से करना है और में, दोनों में से आपको एक करना है, दोनों में से क्या करना है, एक करना है आपको। अगला है यहाँ पर आंसर यानी 3 क्वेश्चन, आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको 3 का आंसर देना है, कितने का, 3 का आंसर देना है, यहाँ पर 1, 2 और 3, 4 है, तो एक आपको फ्री में मिल रहा है, यानी कि आपको फायदे में मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ये करने हैं। यहाँ 19 से 22 तक के जो आंसर हैं वो 30 से 40 वर्ड में आपको देना होगा। यहाँ पर जो आपके लेसन है उसका नाम भी लिखा हुआ है पीछे, कौन से लेसन से उठाया गया है ये प्रश्न, तो यहाँ पर इसका आप क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन करने होंगे आप लोगों को, यहाँ कोई छूट नहीं मिल रही है आपको। आगे जानकारी देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 125 वर्ड में एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, क्या करना है, ए रूम 10 इंच x 8 इंच, उसका ये आप देखिए। अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कितने वर्ड में, 125 वर्ड में, 7 नंबर का क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर 25 से 28 तक का, आपको 30 से 40 वर्ड में इनके क्वेश्चन के लिखना है, यहाँ देख सकते हो ये लेसन का नाम है पीछे, लेसन से आपको जो बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि लेसन का नाम होता है पीछे, तो उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है, पता लग जाता है कि कौन से लेसन था जिसमें से अपन ने कुछ पढ़ा था। तो आपको मैं बता दूँ ये 30 से जो 40 वर्ड का लिखा गया है, आप क्या करोगे, शुरू में इसका थोड़ा सा नाम लिख दोगे, थोड़ा सा मिला मुलो के, यदि नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा बहुत लिखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 70 नंबर आराम से आ जाएंगे। कोई भी विद्यार्थी आपको नहीं कह सकता कि आपके नहीं आ सकते, उसको चैलेंज दे सकते हो कि मेरे लिए हरिओम सर ने बताया था स्टडी एकेडमी वाले ने कि इस ट्रिक से लिखना है और आपके 70 नंबर नहीं आए तो मेरे को बता दीजिएगा कमेंट करके, जिस दिन आपका परिणाम आएगा उस दिन कह देना कि सर आपकी जो ट्रिक थी वो ट्रिक हमें काम नहीं आई। तो दोस्तों काम जरूर आएगी और आप कामयाब होंगे, ये हम गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं तो आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं कि इंग्लिश में किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। मैंने बीटेक की है तो बीटेक में मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने 12th तक पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था, वो सारा एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैंने बच्चों को भी पढ़ाया है, मैं एक टीचर हूँ आप सभी को पता है, तो बिल्कुल उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप लोगों को पढ़ना है। ओके, और किस प्रकार आप तैयारी करके 70+ मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम है, यदि आपके पास पहले से आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% मार्क्स आएंगे इस ट्रिक से।
और यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अब आप मात्र 5 दिन में फाड़ना चाहते हो, 2 दिन में फाड़ना चाहते हो पेपर को, बिल्कुल तरीके से करना चाहते हो, मात्र 5-6 दिन में पढ़ के आपको बिल्कुल ये करना था, तो आपके लिए मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, इससे अच्छा कोई मौका नहीं है आपको 70 मार्क्स लाने का। तो आपको बिल्कुल पास होना है, तो बस तन मन धन से हो जाइए। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से, बेल आइकन का बटन दबा करके।